1984 के दौरान पूर्वी यूक्रेन में युवा महिलाएं और बच्चियां गायब होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर लड़कियां 8 से 18 साल की थीं। इनमें से कुछ लड़कियों की लाश पुलिस बरामद करती है और कईयों का पता नहीं चलता। जांच में पता चलता है कि मरने वाली महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। पहले उनका रेप किया जाता, फिर गला घोटा जाता और मौत की आगोश में समा जाने के बाद लाशों के साथ बलात्कार किया जाता। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी यूक्रेन के एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसने कानून को ताक पर रख अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि उसने 100 लोगों की हत्या की, जिनमें ज़्यादातर बच्चियां और महिलाएं थीं। इस सिरफिरे कातिल का नाम था सिरे एच। एच का जन्म 12 सितंबर 1952 को रूस में हुआ था। उसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एच ने बाद में पड़ोसियों को बताया कि वह अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का अनुभवी था। हालांकि वास्तव में उसने केवल 1970 से 1972 के बीच सोवियत सेना में अनिवार्य सेना सेवा की थी। सेना से अपनी छुट्टी के बाद एच ने पुलिस अधिकारी बनने के लिए थोड़े समय के लिए पढ़ाई जारी रखी। ग्रेजुएट होने पर वह कैमरोवा शहर में एक आपराधिक अन्वेषक बन गया। उसे अपने विभाग द्वारा एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता माना जाता था। एच का होनहार करियर तब टूट गया जब वह झूठे साक्ष्य पकड़े गए। उसे स्वेच्छा से इस्तीफा या कुछ कारावास का सामना करने के बीच एक विकल्प दिया गया था और उसने इस्तीफा को चुना। उसने पहली हत्या 1980 में क्रीमिया के सिम्फरोपोल में की थी। एच, जिसने शराब की बोतल पी रखी थी, एक पूर्व स्कूली साथी को ग्रामीण इलाके में यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे वह पिछले 9 वर्षों से रुक रुक कर देखा करता था, जिस पर उस लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे वह बहुत उत्तेजित हो गया और उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने डर के मारे उसका गला घोट दिया कि वह भाग जाएगी और उसकी रिपोर्ट करेगी। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने अपने पूर्व सहयोगी को फ़ोन करके और उन्हें शरीर तक ले जाने का फैसला किया। हालांकि जब लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद अधिकारी ने एच को पहचानने से इनकार कर दिया तो उसने फौरन फ़ोन काट दिया और खुद चिढ़ गया, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो अब ये बात किसी को नहीं बताएगा। एच 1982 में उचित रूप से यूक्रेन चला गया और उसने कई नौकरियां की। निप्रा पेट्रोस के क्षेत्र में एक अन्वेषक के रूप में फिर से काम करने के पहले उसने खानों, खेतों और कारखानों में भी काम किया। वह भारी एथलेटिक में भी रुचि रखने लगा, अंततः एक स्थानीय चैंपियन भी बन गया। उसने 3 बार शादी की और उसके 4 बच्चे थे। इस बीच एच ने कई लोगों को मारना जारी रखा। 1984 तक उसके अपराधों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब पूरे यूक्रेन में कई बच्चियां और युवतियां गायब होने लगी, तब जाके कहीं पुलिस के कान खड़े हुए। अगस्त 2005 में एच ने अपने ही एक दोस्त की बेटी कात्या नाम की एक 9 वर्षीय लड़की को पकड़ लिया, जबकि वह अन्य 4 बच्चों के साथ खेल रही थी। बाद में उसने कात्या के अंतिम संस्कार में भाग लिया, जहां उसे अन्य बच्चों द्वारा अपहरणकर्ता के रूप में पहचान लिया गया। इस जानकारी के साथ पुलिस ने एच को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसने न केवल कात्या की हत्या की बात कबूली, बल्कि 2 दशक से चल रही एक सिलसिलेवार हत्या की होड़ में 100 से अधिक हत्याओं को कबूल किया। आगे की जांच ने पुष्टि की कि इनमें से कम 37 हत्याओं के लिए एच को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने गलत तरीके से एच की कुछ हत्याओं के लिए 10 लोगों को जेल में डाल दिया था। उनमें से एक ने तो 2000 में आत्महत्या कर ली थी जब वह मुकदमे का प्रतीक्षा कर रहा था। एच ने मौत की सज़ा की मांग की, लेकिन इसके बजाय उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली, क्योंकि यूक्रेन में मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया था। हत्याओं को अंजाम देने के लिए एच की मंशा स्पष्ट नहीं है। प्रारंभ में एच ने दावा किया कि जिस तरह से उसकी पत्नियों ने उसके साथ व्यवहार किया था, उसके कारण उन्हें महिलाओं से तीव्र घृणा महसूस हुई। हालांकि कई परिचितों ने जांचकर्ता को बताया कि उसने कभी भी गलत व्यवहार का कोई संकेत नहीं दिया। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पूर्व सहयोगी का मजाक उड़ाने और यह दिखाने के लिए हत्या की कि पुलिस विभाग कितना असक्षम है। अंततः गुप्तचरों ने निष्कर्ष निकाला कि एच ने सरासर खुशी के लिए सीरियल किलिंग को अंजाम दिया था। एच की मृत्यु 4 नवंबर 2018 को 66 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से हुई। उसे केवल जेल कर्मचारी द्वारा दफनाया गया था, क्योंकि उसके किसी भी रिश्तेदार ने कभी भी उसके अवशेषों पर दावा नहीं किया था। एक आपराधिक अन्वेषक के रूप में अपने समय के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए एच एक अत्याधुनिक कुशल सीरियल किलर था। उसने 8 से 18 वर्ष की आयु की बच्चियों और युवतियों को निशाना बनाया था। एच कुशलता से अपने विक्टिम्स के गले को तब तक दबाए रखता जब तक वो मर नहीं जाते, और कभी कभी हत्या से पहले और बाद में उनका बलात्कार किया। एच खुद को सेफ रखने के लिए यह सुनिश्चित करता था कि वह किसी भी निशान को पीछे ना छोड़ सके। वह अपने पीड़ितों के कपड़ों को और गहनों को छुपा देता, अपने फिंगरप्रिंट साफ करता, यहाँ तक कि वह अपने पैरों के निशान को भी मिटा देता और कुछ गहने और श्रृंगार के सामान को ट्रॉफी के रूप में रखता। एच ने सबों को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की। वह इसके बजाय उन्हें राजमार्गों के पास छोड़ देता, ताकि यह लगे कि हत्यारा दूसरे शहर से आया। अनिवार्य रूप से वह ट्रक ड्राइवरों और यात्रियों पर दोष डाल रहा था। कुछ मामलों में एच ने अन्य लोगों पर भी आरोप लगाया, यहाँ तक कि पीड़ितों के रिश्तेदार पर भी हत्या के आरोप लगाता, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता था
और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। रशियन पुलिस ने एच को एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर के रूप में पेश किया। मनोवैज्ञानिक के अनुसार एच को गुस्से की गंभीर समस्या भी थी। वह तीव्र चिड़चिड़ापन का पीड़ित था और बेहद आक्रामक था। मामलों की जांच कर रहे जासूसों के लिए एच एक यौन पीड़ित मनोरोगी था जिसने अपने सीरियल किलिंग से प्राप्त प्रसिद्धि का आनंद लिया।